जी भैया, नमस्कार भैया। मैं दीप्ति, जी नमस्ते आज नमस्ते। अभी जो हम लोगों का ग्रुप में डिस्कशन हुआ तो बहुत ही अच्छा था। तो उसमें कुछ थोड़ी सी क्वेरी थी, तो अभी जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए। बिल्कुल, भानु भैया भी साथ में हैं तो अच्छा रहेगा, बात करें। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि सेल्फ और बॉडी का जो एक कोरिलेशन है कि बिना शरीर के हम चैतन्य इकाई की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ इकाई भी जरूरी है उस चैतन्यता के लिए। अब यहाँ बात उठती है कि हम सेल्फ को भाव से समझ पा रहे हैं, कि अगर हमारी सही समझ या सही भाव है तो उससे हम मानते हैं कि हम एक हैप्पीनेस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और अगर भौतिक और रासायनिक वस्तुओं की जब हम बात करते हैं तो हम शारीरिक सुख दे पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं वस्तुओं का अगर सही उपयोग कर रहे हैं बॉडी, तो मतलब हम संतुष्ट हैं उस चीज में। अब यहाँ भैया बात ये उठती, प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे भाव हैं, तो ये भाव क्या हमारे इस शरीर को अलग होने के बाद भी रहते हैं क्या? कि अगर मान लीजिए हमारे पास प्रेम का भाव है, करुणा का भाव, स्नेह का भाव है, तो क्या जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या उसके बावजूद हमारा ये जो पुनर्जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये होता है वहां पे भी, ऐसा उसका प्रभाव होता है क्या? नमस्ते नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भानु भैया। बढ़िया। तो जी नमस्ते सर। मैं थोड़ा सा रिस्पांस इनके प्रश्न के संदर्भ में कर देता हूँ, फिर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, है ना। तो जैसे अभी बात हुई है ना मानव के बारे में, सेल्फ और बॉडी, तो बॉडी टम्प में आवश्यकता टम्परेरी है, क्रिया टम्परेरी है, ये बात तो अपने को समझ में आ सकती है इसका विश्लेषण करके। दीप्ति दीदी, ये ठीक लगता है क्या? जी बिल्कुल भैया। दूसरी तरफ देखें तो सेल्फ की आवश्यकता भी कंटिन्यूअस है और उसकी क्रिया भी कंटिन्यूअस है। तो सेल्फ में कि कंटिन्यूटी का एक ये विश्लेषण करके ये बात थोड़ी स्पष्ट होती हुई भासाभास होती है, ये बात स्पष्ट हो रही है क्या? जी भैया बिल्कुल। तो जड़ में अर्थात शरीर में अर्थात मटेरियल में टेम्परेरीनेस है ना, और कॉन्शियसनेस में अर्थात चैतन्य में अर्थात सेल्फ में कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी है जी। ये बात तार्किक रूप से तो ठीक लगती है, लेकिन जब तार्किक रूप से ठीक लगती है तो बहुत सारे अन्य जो हम बातें सुन रखे हैं या जो चर्चा कर रखे हैं वो सारे प्रश्न एकदम से उभर के मानस पटल पे आते हैं, जो स्वाभाविक है। जिसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसका थोड़ा बहुत तर्क से उत्तर निकल जाता है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसके लिए थोड़े अभ्यास करने पड़ते हैं फिर उत्तर निकल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर को अगर अपने अधिकार पे पाना है तो उसके लिए एक लंबे अभ्यास और लंबा समय लगता है उसके लिए, है ना। और तब तक तो कुछ शब्दों से ही शब्द एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उसका उत्तर जो अपने में व्यवहारिक एक तरह से एक्सपीरियंस के लेवल पे आना है उसके लिए तो एक लंबी तैयारी अपनी चाहिए, है ना। सही बिल्कुल। तो जैसे कि अगर ये कहें कि भाई हमारी जो इच्छा विचार आशा चल रही है कि वो कभी कभी चल रही है कि कंटिन्यूअस चल रही है, हम इसको देखें कि भाई हम 1 घंटे बैठ जाएंगे और कंटिन्यूअस अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान बनाए रखेंगे और देखेंगे कि 1 घंटे वो कंटिन्यूअस चलती रही या उसमें कहीं विराम आया। ये अभ्यास हम बैठ के कर सकते हैं, उससे एक अनुमान बनता है कि इसमें कंटिन्यूटी है, घंटे का बना। फिर धीरे धीरे हम इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं कि क्या पूरे समय हम सारा काम धाम सारा ये सब करते हुए अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं क्या। जैसे जैसे देखने लगते हैं तो धीरे धीरे ये अभ्यास भी बन पाता है कि जितने समय हम जगे रहते हैं पूरे समय कल्पनाशीलता चल रही है, कभी हम उस पर ध्यान दे पा रहे हैं कभी नहीं दे पा रहे हैं वो एक अलग बात हो सकती है। ये उसका दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा स्टेप ये ध्यान जाता है कि जब हम पूरी तरह से कल्पनाशीलता को देखने लग जाते हैं तो हमको कानों से कोई कई बार आवाज भी सुनाई नहीं देती, आंखों से बाहर जो हो रहा है वो भी नहीं दिखाई देता। कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले बैठे हैं और कल्पनाशीलता में खोए हैं तो आसपास लोग क्या चर्चा कर रहे हैं अपने को कुछ पता ही नहीं चलता। आप रहे हो खिड़की पे बैठे हैं अपनी कल्पनाशीलता में खोए हैं, आसपास लोगों ने क्या बातें की क्या कई कुछ पता ही नहीं चलता अपने को, ऐसा कभी बिल्कुल महसूस हुआ है?
जी बिल्कुल हाँ, तो जबकि देखेंगे तो शरीर भी था, आंखें भी थी, कान भी थे, सब थे, लेकिन सेल्फ ने उनसे कुछ ना सुना ना देखा। तो धीरे धीरे ये बात भी एहसास में आती है कि हम पूरी तरह से उस कल्पनाशीलता के ऊपर ही फोकस हो गए हैं, आने वाले इनपुट को नहीं पढ़ रहे, है ना। फिर चौथा स्टेप ये आता है कि इस तरह से क्या हम हर क्षण निर्णय लेते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये चौथा स्टेप आता है। तो कभी हम ध्यान से देखें तो इस चौथे स्टेप का भी अभ्यास कर सकते हैं। कभी आप आराम से बैठे और अपने कानों पर ध्यान दें कि कितने तरह की आवाज आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि एक साथ तीन तीन चार चार पांच पांच तरह की आवाजें कान पर पड़ रही हैं। मेरी आवाज भी आ रही होगी, आसपास कुछ कोई चल रहा होगा उसकी आवाज भी आ रही होगी, गाड़ियां गुजरती हैं उसकी आवाज भी आ रही होगी, गर्मियों में कहीं पंखा चलता है उसकी आवाज भी आ रही होती है ना। तो तीन चार तरह की आवाज एक साथ कान पे आता है और हमारा सेल्फ उसमें निर्णय ले लेता है कि ये वाले को सुनना है, बाकी को नहीं सुनना है। कई बार तो अपने को ये पता लगता है, कई बार जब देखेंगे तो पता भी नहीं चलता है कि ये सब डिसीजन हो रहे हैं। ऐसी आंखों से भी अगर आप देखेंगे ना, जहां आप बैठी हैं उसके सामने देखेंगे तो बहुत सारे चित्र बन रहे होंगे, दीवार होगा, उस पे पोस्टर होगा, मेज होगा, किताबें होंगी, बहुत सारी चीजों के चित्र बन रहे होंगे ना। जी बिल्कुल आप जिस चित्र के ऊपर फोकस कर रही होंगी उस पूरे पटल पे, वो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, बाकी थोड़ी सी है ना कम स्पष्ट हो रही होंगी, थोड़ी धुंधली हो रही होंगी। तो कभी ध्यान देंगे तो वो दिखेगा कि आंखों के मानस पटल पे तो पूरा एक फ्रेम बन रहा है, लेकिन उसमें भी हमारा सेल्फ फोकस कर रहा है, अच्छा अब इसको देखना है, अब उसको देखना है ना। तो ये सब सेल्फ का एक सिलेक्शन दिखाई देगा, ये चौथा स्टेप है ना। तो धीरे धीरे जब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं ना, है ना, तब हमारे सेल्फ के प्रति ऑथेंटिसिटी और बढ़ती चली जाती बढ़ती चली जाती है ना। तब जाकर के बहुत सारे बड़े प्रश्नों के बारे में जो शब्दों के रूप में सूचनाएं रहती हैं, हम अधिकार पूर्वक कुछ उसके बारे कह पाने की जगह पे आते हैं। आ पाते हैं। तब जी तक जी तो वो सूचनाएं ही हैं, है ना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप किया जाए, और किया लंबा समय है, 10 साल 20 साल 50 साल लगाया जाए और उन प्रश्नों के उत्तर तक भी पहुंचा जाए जिम्मेदारी से, जो प्रश्न हमारे भीतर इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन कोई जाए। शब्दों से उत्तर दे दे वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल मैं स्टेप ही उसको जो है अपने को उत्तर देंगे। सर, मुझे ये पूछना था सर कि जैसा मैडम ने कहा, दीप्ति मैडम ने, कि और आपने भी कहा कि जो मैं है वो निरंतर है, तो कंटिन्यू। तो क्या सर, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम मैंने देखते हैं कि उसमें अलग कहा, मैंने अलग देखिए अभी मैं बहुत उसको कह रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कहा कि सेल्फ की आवश्यकता, सेल्फ की क्रियाएं निरंतर है ना, जिससे ये भास तो होता है कि सेल्फ निरंतर है ना। लेकिन इतने सारे मैंने स्टेप भी बताए कि आप इन स्टेप्स का अभ्यास करें तब आप अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि सेल्फ निरंतर है। निरंतर तब है। तक सर, तो मेरा प्रश्न बस ये था कि जो जन्म, नया जब जन्म होता है तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे वातावरण में लेते हैं, कुछ के साथ जन्मजात कुछ बीमारी या रोग में लेकर ही पैदा होते हैं, तो इसके पीछे क्या उनके पूर्व जन्म के जो मैं का जो था वो कहीं उत्तरदायित्व है, या उसका वो कहीं उत्तरदायी है, या अब इन क्या सब का जांच परख तो आप सब लोग को करना है। माँ ने इसका? जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं किया बच्चे के गर्भधारण के समय, है ना, जो तत्व चाहिए उसके शरीर निर्माण के लिए वो मिले नहीं, है ना। तो कुछ शरीर में हो गया व्यवधान, यह भी कारण बिल्कुल, हो सकता है, आप जो कह रही हैं वो भी कारण हो सकता है, प्रस्ताव तो दोनों है। तो इसमें भानु भैया हम ये अगर जोड़ना चाहें तो ये जोड़ सकते हैं क्या कि हम मान्यताओं के आधार पे अभी ये चीजें मानते हुए चले आ रहे हैं, मैं अभी लेकिन उसको ओपन ही कर रहा हूँ, वो भी एक प्रस्ताव है, यह भी एक प्रस्ताव है, दोनों की जांच हाँ परख की जाए, बिना जाने नहीं उसको अमल करना चाहिए। जांच आ जाए थोड़ा, या बारीकी से जी और गहराई से जांच आ जाए। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सीधे सीधे उत्तर देने की जगह मैं आपको प्रिफर कर रहा हूँ कि जांचना शुरू करें। जी बिल्कुल ठीक, सर, बिल्कुल, धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर। धन्यवाद।